खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द क्रेजी थिंग्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चमगादड़ के बारे में। क्या कि चमगादड़ हमेशा उल्टे ही क्यों लटकते हैं और हमेशा उल्टे लटक कर ही क्यों सोते हैं? सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। आपने भी कभी ना कभी रात के अंधेरे में चमगादड़ों को देखा होगा या उनके बारे में सुना होगा। डरावने से दिखने वाले ये चमगादड़ नॉकचुनल होते हैं। नॉकचुनल मतलब ऐसे जानवर या पक्षी जो दिन भर आराम करते हैं या सोते हैं और रात भर जाकर अपना काम करते हैं, जैसे खाना ढूंढना, शिकार करना आदि। और हिंदी में ऐसे जानवरों को निशाचर बोला जाता है। चमगादड़ भी रात भर सोते हैं और सूरज के निकलते ही ये अपने सोने के लिए जगह ढूंढने लगते हैं। और ये हमेशा ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ दिन भर अंधेरा हो, जैसे गुफाएं, घर की छतें, पेड़ की शाखाएं आदि। लेकिन हमारा सवाल तो ये है कि आखिर चमगादड़ हमेशा उल्टे ही क्यों लटकते हैं? हम आपको बता दें, इसके एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन कारण हैं। अब बात करते हैं पहले कारण की। उल्टा लटकने के कारण चमगादड़ों के लिए उड़ना बहुत आसान होता है, क्योंकि चमगादड़ के शरीर की संरचना कुछ इस तरह से बनी हुई है कि अगर ये अन्य पक्षियों की तरह सीधे बैठेंगे तो आसानी से उड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके पंख इतने मजबूत नहीं होते। इसीलिए आसानी से और अचानक उड़ने के लिए चमगादड़ हमेशा उल्टे लटकते हैं, ताकि जब भी उन्हें अचानक उड़ना पड़े वे अचानक अपने पंख छोड़ दें और नीचे गिरकर आसानी से उड़ सकें। अब बात करते हैं दूसरे कारण की। चमगादड़ के पैर बहुत कमजोर होते हैं। इनकी पैर की हड्डियां इतनी मजबूत नहीं होती कि उसके पूरे शरीर के वजन को संभाल सके। आपने भी कई बार देखा होगा, जब कोई चमगादड़ जमीन पर गिरता है तो वह अपने शरीर का पूरा वजन अपने पेट पर रखता है और अपने पैरों को फैला देता है, क्योंकि इनके पैर इतने कमजोर होते हैं कि अन्य पक्षियों की तरह अपने पैरों पर नहीं बैठ सकते। इसलिए चमगादड़ उल्टे लटकते हैं, जिससे इनका पूरा वजन उनकी तनी हुई मांसपेशियों और नसों द्वारा संभाला जा सके। अब बात करते हैं तीसरे कारण की, कि उल्टे लटकने की वजह से चमगादड़ों को शिकार करने वाले पक्षियों से भी सुरक्षा मिलती है, क्योंकि चमगादड़ पेड़ की शाखाओं पर उल्टा लटकते हैं, जिससे यह उन शाखाओं के नीचे आसानी से छिप जाते हैं और शाखा के ऊपर बैठने वाले पक्षी उन्हें नीचे लटकते हुए देख नहीं पाते, जिसके कारण चमगादड़ हमेशा सुरक्षित रहती है। कहीं अब आप यह तो नहीं सोच रहे कि उल्टा लटकने के बाद भी चमगादड़ अपना बैलेंस खोकर नीचे क्यों नहीं गिरता? तो दोस्तों, चमगादड़ के पैरों की नसें कुछ इस तरह से बनी होती हैं कि उनका वजन ही उनके पंजों को मजबूती से पकड़ने में मदद करता है। प्रकृति के द्वारा हर जीव के शरीर को कुछ इस तरह से बनाया जाता है, जिससे वह उन्हें कई तरह से मदद कर सके। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि चमगादड़ हमेशा उल्टा ही क्यों लटकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही किसी मजेदार इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।